पहले एक महिला ने मछली खाया और फिर मछली ने उसे ही निगल लिया। महिला मार्केट से मछली लेकर आती है, उसे पकाती है और फिर मछली को खाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद हाल ऐसा हो जाता है कि मछली की वजह से महिला की जान चली जाती है। सिर्फ महिला ही नहीं बल्कि उसके बुजुर्ग पति की भी हालत खराब है, अभी अस्पताल में भर्ती है, कोमा में जा चुका है। बताते हैं आपको क्या है पूरा मामला, क्योंकि पहली बार ऐसा मामला देखने को मिला है जहां पहले किसी ने मछली को खाया हो और फिर पकी पकाई मछली ने उस आदमी को ही निगल लिया हो। क्योंकि जो मछली जिंदा होती है, अगर वो किसी को निगलती है उसकी वजह से किसी की जान जाती है तो एक समझने वाली बात है। लेकिन ये अजीबोगरीब मामला क्या है, कैसे पकी पकाई मछली ने किसी की जान ले ली है, किसी को कोमा में भेज दिया है, किसी को निकल लिया है, आपको बताएंगे इस पूरे सेगमेंट में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सेगमेंट अजब गजब में और मैं आपके साथ वंदना पांडे। आज इस पूरे मामले को जानने के बाद शायद आप मछली खाना छोड़ देंगे या फिर अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप खुद ब खुद खुद की तारीफ करेंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि पहली बार ऐसा मामला देखने को मिला है जहां मछली को पकाया गया, उसे खाया गया और उसी मछली की वजह से व्यक्ति की जान चली गई तो कोई कोमा में जा चुका है, जिंदगी मौत से लड़ रहा है। बात यह है कि पहले महिला ने मछली को खाया और बाद में मछली ने ही महिला को निगल लिया। बेहद ही अजीबोगरीब मामला है, इसीलिए इस पूरे सेगमेंट में आपको हम इसकी जानकारी देंगे कि कैसे हुआ ये सब कुछ। मांस मछली के शौकीन लोग आज सेगमेंट के बाद थोड़ा सोच समझ कर जब भी बाजार जाएंगे तो मछली लाएंगे, उसे बनाएंगे और खाने के बाद भी थोड़ी देर तक तो वो डरे ही रहेंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि एक महिला ने अपने पति के साथ बाजार जाकर मछली खरीदा और उसे पकाकर खाने का प्लान बनाया, बदले में ये मछली उसकी जिंदगी खत्म कर चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक महिला मलेशिया की रहने वाली बताई जा रही है और वहीं बाजार में जाकर उसने एक अलग किस्म की मछली खरीदी जिससे कि पफर फिश कहा जाता है। पफर फिश नामक ये मछली काफी जहरीली होती है, देखने में ये मछली गोल आकार में नजर आती है, जहरीली भी होती है। लेकिन महिला ने जहां से इसे खरीदा था वो 4 सालों से वहीं से मछलियां खरीदा करती थी, इसीलिए उसने मछुआरे पर भरोसा किया और उसे लगा कि जो मछली वो लेकर जा रही है पफर फिश वो जहरीली नहीं होगी, उसका जहर निकाल दिया होगा। कपल ने जैसे ही मछली बनाकर खाया उनकी परेशानी बढ़ गई। बुजुर्ग पति पत्नी ने जैसे ही मछली खाया वैसे ही पहले महिला की सांस रुकने लगी और ठीक 1 घंटे के बाद उसके पति की हालत भी खराब हो गई। जब उसके बेटे ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया तो डॉक्टर ने बताया कि महिला की जान चली गई है। वहीं इस बात का भी खुलासा हुआ कि जिस मछली को उन्होंने बनाकर खाया था वो काफी जहरीली थी। पफर फिश जिसका नाम था वो मछली जानलेवा होती है, अच्छे से अगर साफ ना किया जाए, अच्छे से धोकर ना बनाया जाए तो नतीजा यही होता है जो इस पूरे मामले में आपको नजर आ रहा है। जी हाँ, बुजुर्ग महिला के शरीर ने काम करना बंद कर दिया जैसे ही उसने ये मछली खाया और उसकी जान में चली गई। वहीं महिला का पति अभी भी कोमा में है, उनका इलाज जारी है। आपको हम बता दें कि फूड एंड एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस पूरे मामले को देखते हुए इस पफर फिश को लेकर लोगों को खास जानकारी दी गई है और बताया गया है कि ध्यान में रखते हुए मछली को खरीदना चाहिए क्योंकि ये जो पफर फिश होती है इसमें जहरीले केमिकल पाए जाते हैं जो कई बार अच्छे से साफ कर धोने से, पकाने में या फिर फ्रीज में रखने से जहर निकल जाते हैं। लेकिन अगर जहरीले केमिकल नहीं निकलते हैं तो लोगों की जान भी चली जाती है। वही हुआ है इस पूरे मामले में भी, जहां महिला ने ठीक से मछली को साफ नहीं किया, उसे धोकर सही से नहीं बनाया तो अभी उसकी जो हालत है वो आपके सामने है। बाकी उसके पति का इलाज चल रहा है और अगर आप भी मांस मछली खाते हैं तो सावधानी बरते, जब भी आप खरीदने जाएं तो पहले तो वहां उसकी पूरी जानकारी ले लें और साफ से धोकर उसे बनाकर खाएं, वरना एक गलती आपकी भी जान ले सकती है। बाकी उस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहे जनता टेलीविजन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना, धन्यवाद।